जहां पर पावर ओवर था वहां पर भी सिक्सर आया था और इसी के साथ ओवर समाप्ति होगी। ये अंपायर अंपायर हो गया, ओवर हो गया, ओवर ओवर अंपायर गेस ओवर हो गया, ओवर हो गया। 35 स्कोर कार्ड पर इस पावर बोर्ड पे सिक्स लगाया था और वो हो चुका है, 12 रन जोड़े गए हैं, टोटल 3 सिक्सर आया है इस ओवर में और अरे ओवर हो गया भाई। चलिए 1-2 को चलिए, जब कंप्यूटर से दोस्तों कभी कभी गलती हो जाती है तो इंसान से क्या, थोड़ी सी गलती हुई हमारे स्कोर की तरफ से, लेकिन मुकाबले की शुरुआत यहाँ पर फिर से होगी। चलिए सभी एंजॉय करते हुए मुकाबले का, यही दोस्तों होता है कि सैटरडे का दिन है, आपके पास साल में एक बार मौका मिलता है सीजन खेलने का और ये सीजन खेलने का जो मौका रहता है वो एंजॉयमेंट में रहता है, ये फुल ठसल होता है। कभी कभी जब भारत बनाम पाकिस्तान जिसमें गरमा गर्मी होती है, इसी प्रकार से टफ नंबर 2 में भी गरमा गर्मी हुई है मुकाबले के बीच। ओ यहाँ पर देखिए गिल्लियां किल्लियां सारी बाहर, चलिए दोस्तों हालांकि ये चर्चा यहाँ पर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं खिलाड़ी को, क्योंकि जो क्रिकेट का खिलाड़ी का स्वभाव होता है खेलने का और वो उन्हें खेलना देना चाहिए, बहुत नाराज रहेंगे बल्लेबाज अपने आप से और अपने टीम के जो उनके कमेंट आया था उनके लिए कि आप सिंगल कीजिए लास्ट बॉल है, लेकिन वहां पर उन्हें डबल माइंड हुए, सिंगल करूँ कि बरिस्टो के लिए जाऊँ और डबल माइंड में क्लीन बोल्ड हुए। 2 ओवर खेल समाप्त हुआ, रन संख्या टोटल 35। तीसरा ओवर फुल टॉस गेंद है यहाँ पर प्रिंस के लिए, अच्छी फील्डिंग बेहतर फील्डिंग हुई है वहां पर, एकमात्र सिंगल मिलता हुआ इसी के साथ और संख्या टोटल 36 रन। ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत का वो टेस्ट मैच मुकाबला अभी भी याद है दोस्तों, जहां पर 400 रन बनाने थे और पहले विराट कोहली, फिर दूसरे शुभमन गिल, तीसरे रोहित शर्मा शिकार हुए, उसके बाद खेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत थे बल्लेबाज के रूप में, ऋषभ पंत ने जो कि बहुत संभाल कर उन्होंने खेला, लेकिन अपने कंट्रोल को उन्होंने खोया और ना उसके बाद सीधे टारगेट किया बड़े स्ट्रोक के लिए, 97 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत ने वो मुकाबले को इक्वल करा दिया था, ड्रॉ करा दिया था अर्थात। ओहो हो कमाल का ये थ्रो, संकेत ऐसे मानो कि इनके ऊपर जड्डू छा गए हो, इनके अंग में जड्डू आ गए हो, क्या थ्रो था ये कमाल का, कलेक्ट किया सीधे गिल्लियां गिल्लियां सारी बाहर कर दी, क्लीन बॉल के रूप में बल्लेबाज है यहाँ पर आउट होते हुए। दिया ना है नए बल्लेबाज, थोड़े से नाराज जरूर है अपने टीम के परफॉर्मेंस से ओवरऑल, लेकिन मैं कहूंगा स्टार्ट बेहतर है, विकेट भले खोए हैं टीम ने जरूर, लेकिन जो रन है वो बहुत अच्छा मेंटेन किया इन्होंने। टोटल रन संख्या 39 स्कोर कार्ड पर 2.4 ओवर के समाप्ति के बाद। संकेत जैन की अगली गेंद, लेकिन बहुत जबरदस्त गेंद रही, वाइट यॉर्कर के रूप में गेंद देखने मिली, लेकिन ये बाहर है, ये लाइन से बहुत बाहर है, व्हाइट बॉल यहाँ पर रहेगा डेफिनेटली और सिंगल रन मिलेगा और इसी के साथ 40 स्कोर कार्ड पर रन संख्या
अब सिंगल चाहते हैं, डायरेक्ट हिट की कोशिश थी लेकिन यहां पर बचे हैं, बहुत क्लोज ये कॉल था। इसी के साथ तीन ओवर का खेल समाप्त हो गया, रन संख्या टोटल 4141 रन स्कोर कार्ड पर यहां पर नजर आ रहे हैं। अब तक एक अच्छी शुरुआत यहां पर की गई है, अगर आने वाले तीन ओवर में 25 से 30 रन आए तो 60+70 राउंड स्कोर हो सकता है यहां से। थोड़ा सा दबाव है, एक युवा खिलाड़ी है, अनुभव इतना नहीं है, लेकिन आज अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, अपना स्किल क्या है, अपनी मेहनत यहाँ पर क्या की है, उन्होंने प्रैक्टिस इतना किया वो दिखाना पड़ेगा टीम को। इस वक्त हल्के हाथ से ऑन साइड में रन हो सकता था लेकिन प्रिंस का ये कॉल उन्होंने डिनाई किया पूरी तरह से, और एक डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत होती हुई। एक और बेहतर गेंद, बहुत बाहर निकल रहे वाले यहाँ पर ध्यान, और चतुराई भरी गेंदबाजी हो रही है, लगातार दो गेंदे दो डॉट। तीसरी गेंद थी ये, पावर गेंद थी, यहां पर रन आउट विकेट आता तो डेफिनेटली 5 माइनस होते। शुरुआत बहुत दमदार हुई, 3 ओवर में ऑलमोस्ट 40 के पास पहुंची थी टीम, और चौथे ओवर में यहां पर दबाव है, चौथे ओवर की चौथी गेंद पर ये पहला सिंगल आया है टीम के लिए। ओहो, यहाँ पर दबाव, प्रिंस के ऊपर दबाव बना है क्योंकि 4 गेंदों पर रन नहीं आए, उसके बाद वो दबाव साफ साफ नजर आया प्रिंस के ऊपर, बड़े शोक के लिए गए, और यहाँ पर क्लीन बॉक्स आउट करके यहाँ पर आउट होते हुए प्रिंस। हेमन गए नए बल्लेबाज, हल्के हाथ से ऑन साइड में खेला है, मिस फील्ड वहां पर हुई है, और आसानी के साथ एक सिंगल, एक अच्छा ओवर यहां पर टीम कियारा एनिमल्स के लिए। इस ओवर से मात्र रन आए टोटल 2 और रन संख्या 4 ओवर के समाप्ति के बाद 43 लॉस ऑफ 5 विकेट। टीम प्राइम इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। अब तक रन रेट की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर अब तक 10-11 के एवरेज से बल्लेबाजी हो रही है। शुभम गेंदबाजी के लिए, एसजी गेंदबाजी के लिए है, पहली गेंद सॉफ्ट हैंड से ऑफ साइड में, खुश रहो खुश रहो ये संदेश दिया अपनी टीम को, और एक सिंगल रन बटोरते हुए इसी बीच। अच्छा शो किया ऑन साइड में, ओहो डायरेक्ट हिट हुआ है यहां पर, देखिए खिलाड़ी ने जरूर कहा कि जीत करना सीखो, जो किस्मत में नहीं उसे हासिल करना सीखो, और ये क्या विकेट हासिल किया है यहाँ पर, लाजवाब डायरेक्ट हिट किया है और इसी के साथ विकेट निकाली है। मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि कहते हैं यूं ही नहीं होती हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखा है दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे आपको जीतने के लिए। सॉफ्ट हैंड से फिर से एक बार यहाँ पर खेलते हुए सिंगल रन की कोशिश है, डायरेक्ट हिट हुआ है, लेकिन दोस्तों हर डायरेक्ट हिट आउट नहीं होता, यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हैं और इसी के साथ एक सिंगल रन पूरा करते हुए। चलिए 2019 का वो डायरेक्ट हिट एमएस धोनी को जो आउट कराया था, मार्टिन गप्टिल का वो डायरेक्ट थ्रो था, वो कोई पूरा भारत विश्व नहीं भूल सकता, 2000 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का वो मुकाबला। चलिए दोस्तों सभी खिलाड़ियों से और हमारे सभी मेहमानों से सभी से निवेदन है कि अपने जो बाइक से वो थोड़ा सा रोड के साइड में पार्क कीजिए आप, क्योंकि इन साइड वहां पर गाड़ी अंदर जाती है, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने एक्टिवा को थोड़ा सा साइड में लगाइए, एक रास्ता जो लेन है उसको पूरी तरह से क्लियर रखिए।
चलिए दोस्तों सभी से निवेदन है कि प्लीज अपने बिलोंगिंग्स को अपने संभाल कर रखिए और 48 रन स्कोर कार्ड पर हुए 5 ओवर के बाद। चलिए अंतिम और आखिरी ओवर लेकर इस वक्त आए हैं गेंदबाज विपुल भाई। उम्र यहां पर अगर ओवरऑल 60 अबव खिलाड़ी हैं और आते ही आते एक बेहतरीन गेंद यहां पर फेंकते हुए लाजवाब गेंदबाजी विपुल भाई की तरफ से यहां पर देखने मिलती हुई। जिंदगी में दोस्तों जिसने आपका संघर्ष देखा हो ना वही आपकी मेहनत और सफलता को सल्यूट कर सकते हैं। दोस्तों विपुल भाई इस वक्त हवा में गेंद उड़ाने की कोशिश थी और सिंगल रन यहां से बटोरते हुए और एक सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 50 रन टीम प्राइम 11 के। चैलेंज ओवर डबल ट्रबल की ये गेंद है सिंगल लेकिन नहीं रोका है क्योंकि रिक्स यहां पर नहीं उठाया है। हाथों में गेंद थी अगर रिक्स लेते तो 5 शायद माइनस भी हो जाते। हवा में गेंद हो देखिए ये हेमंत भाई का कड़क सिक्स आता हुआ और 6 के बाद स्कोर बोर्ड आ पहुंचा 56 रन स्कोर कार्ड पर। और यहां पर बल्लेबाज आउट होते हुए अंतिम और आखिरी गेंद यहां से रहेगी। ललित आया नए बल्लेबाज और यहां पर नो गेंद थी सिंगल मिला है डबल के ले गए हैं और ये तीसरा रन पूरा करते हुए दौड़कर 2 और प्लस 1 सिंगल टोटल 3 रन आएगा इस गेंद से। अभी भी अंतिम और आखिरी गेंद अच्छा स्ट्रोक है ऑन साइड में और यहां पर ललित ने कह दिया मुझे समझ पाना इतना आसान नहीं खुला समंदर हूं गहरा पानी नहीं। चलिए 64 रन बने हैं ओवरऑल और जीत के लिए 64 रन रिक्वायर फॉर टीम एनिमल के लिए जीत के लिए बनाने पड़ेंगे 64 रन। अगर औसत देखा जाए प्रति ओवर तो 11 से 10 रन बनाने पड़ेंगे हालांकि बड़ा ये औसत नहीं रहेगा लेकिन लेट्स सी किसी एक बल्लेबाज को बड़ा कारनामा करना पड़ेगा विद द बैट। अगर अच्छी बल्लेबाजी होती है तो डेफिनेटली ये जो विशाल स्कोर दिख रहा है वो छोटा सा नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका वो मुकाबला दोस्तों कोई नहीं भूल सकता जहां पर 436 रन जीत 37 रन थे जीत के लिए और साउथ अफ्रीका ने एक बॉल रखकर उस मुकाबले को चेस किया था 439 रन बनाए थे ओडीआई में। चलिए जीत के लिए 64 रन की यहां पर आवश्यकता है
कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी दोनों ही बल्लेबाजों को एक अटैकिंग स्टार्ट देने की, एक पॉजिटिव स्टार्ट देने की आने वाले बल्लेबाजों को। जो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है उनके ऊपर दबाव थोड़ा सा कम रहेगा अगर आप शुरुआत बेहतरीन दिलाते हो। लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाजी के लिए, प्राइम इलेवन ने अगर शुरुआती के दो तीन ओवर एक अच्छे गेंद अच्छे ओवर निकाले तो डेफिनेटली वो दबाव और बना सकते हैं। ऑलरेडी उन्होंने दबाव बनाया विद द बैट, एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा है उन्होंने, 60 टोटल 3 बनाए हैं और जीत के लिए 64 रनों का लक्ष्य है। चलिए मुकाबले की शुरुआत होती है, भी जीत के लिए 64 रन बनाने हैं, दोनों टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं। पहली गेंद फुल टॉस है और पहली ही गेंद आउट ऑफ द पार्क, ये रन मिलेंगे 4-4-4, चौका आता हुआ पहली गेंद के साथ स्वागत किया है गेंदबाज का। यहां पर आउटसाइड द लेग स्टंप गेंद, वाइड गेंद, एक सिंगल रन यहां पर आता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ओ इस वक्त यहाँ पर देखिए, लेट्स सी। चलिए चलिए आर्ग्यूमेंट नहीं करना, अंपायर से वहां पर अंपायर से। वेट अ मोमेंट प्लीज। बल्लेबाज आउट है, हालांकि जब बहुत ऐसा बहुत क्विक रिफ्लेक्शन होता है विद इन अ सेकेंड आपको कवर कर पाना इस चीज मूवमेंट को देख पाना, क्योंकि गेंद और जब स्टंप का कॉन्टेस्ट हुआ उसके बाद हाथ क्लोज गया तो उसके बाद हाथों पर गेंद स्टंप लगी है, मतलब यहां से पूरी तरह से अगर बात की जाए तो ओवरऑल बल्लेबाज आउट में बेहतर गेंद। यहाँ पर फिर से एक बार खिलाड़ियों को मोड़ते हुए ऑन साइड में निकाला है गेंद को, एक सिंगल रन मिलता हुआ और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा टोटल 6 रनों पर। फुल टॉस गेंद है, सामने की तरफ एलिवेशन दिया है, पीछे बैकअप के लिए खिलाड़ी थे, एक कैच यहां पर और बल्लेबाज की आउट। विकेट नंबर 2 डाउन फॉर द टीम कियारा एनिमल्स। सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए और डेड बॉल है, यस। चलिए लास्ट कॉल, खिलाड़ी को ये अंपायर की तरफ से ये लास्ट कॉल है, नेक्स्ट टाइम पेनल्टी दिया जाएगा अगर कैप नहीं रहा हेड पे तो। एवरी मैच अंपायर एक बार वार्न कर रहे हैं और सेकंड टाइम वार्न नहीं करेंगे, सीधे पेनल्टी देंगे। बैकफुट पर गए, ऑफ साइड में खेला है यहाँ पर और गेम गैप पे भी है, कामयाबी का जुनून है यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर, उन्हें पता है कि हमें अपने नैया को अपनी टीम के को यहाँ पर जीत दिलानी है। ओहो एक और बेहतर और ये अद्भुत अप्रतिम अविश्वसनीय शुभम के बल्ले से सीधे आउट ऑफ द पार्क, 4-4-4 रनों के लिए चौका आता हुआ एक और बैक टू बैक दूसरा, और इसी के साथ 5 गेंदों का चलिए एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल 1-4-14, 14 रन यहाँ पर बने हैं, 2 विकेट हालांकि यहाँ पर खोए और जो प्रति ओवर रिक्वायरमेंट था वो 11 का था, अब पहले ओवर से 1-4-14 आए। बॉबी तैयार, मिस टाइमिंग है, हवा में गेंद है, डाउन द बॉल, फील्डर कोई गलती नहीं, 1 मोर विकेट।
114 रन स्कोर कार्ड पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहां पर देखने मिल रहा है दर्शकों को। ओह यहां पर 1-2 विकेट डाउन। इस वक्त क्रिकेट का फर्नीचर डामाडोल होता हुआ पूरी तरह से बल्ले पर, हालांकि गेंद नहीं आई, सीधे विकेट पर टारगेट किया गेंदबाज ने और एक और विकेट। प्राइम 11 बनाम कियारा एनिमल्स के बीच मुकाबला है और कियारा टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस मैदान के बीच में बल्लेबाजी के लिए। लेट्स सी क्या कारनामा कर पाएंगे यहां से, अपनी टीम की खुशहाली बना पाएंगे, विनिंग मूवमेंट ला पाएंगे अपनी टीम में। लेट्स सी देखना होगा। फुल टॉस गेंद है, मौका था यहां पर बड़े शो के लिए, लेकिन केवल यहां पर हल्के हाथ से निकाला है क्योंकि यहां पर रिस्क नहीं लिया है। 1+1 दो रन मिलेंगे इस गेंद से। पावर गेंद थी ये। अच्छा स्ट्रोक है, गेंद वहां पर गई जरूर है, डीप लॉन्ग ऑन किए बाहर और ये तीसरा बाउंड्री आदि लगातार हैट्रिक बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी पहले बनते हुए इस वक्त शुभम। पिछले ओवर में दो गेंदों पर दो बाउंड्री और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर, चौथे गेंद पर उन्हें स्ट्राइक मिली, चौथे गेंद में कन्वर्ट किया बड़े स्ट्रोक में और लगातार तीन गेंदों पर तीन सिक्स बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बनते हुए शुभम। एक और बेहतर स्ट्रोक है, एक और बार इस वक्त गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन फील्डिंग वहां पर अच्छी हुई है। ओहो यहां पर देखिए गेंद को केवल रुकाया है पैरों के माध्यम से, कोई रन नहीं। इसी के साथ दो ओवर का पांच गेंद हुई है, पांच फाइव बॉल। ओवर हो गए सर, ओवर हो गए, ओवर 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 ओवर। चलिए नया ओवर लेकर इस वक्त चिराग आएंगे ओवर नंबर तीन। दबाव बनाना है यहाँ से ये सोचकर गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद अंदर आई थी गेंद हाथ पर, हालांकि स्पर्श नहीं हुई है, अगर होती भी तो शायद कुछ नहीं होता क्योंकि राजेश स्ट्राइक पर अपने क्रिसमर अवेलेबल थे। एक सिंगल आया है और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचा टोटल 22 रनों पर। हल्के हाथ से केवल एक सिंगल निकालते हुए। चलिए डाउन द चेयर, अगर गेंद गई है तो आपको डिक्लेयर के रूप में सिंगल मिलेगा। डाउन द टेबल हो, डाउन द चेयर हो, अगर गेंद जाएगी तो आपको यहां पर सिंगल मात्र मिलेगा। फिर से एक बार शुभम ऑन स्ट्राइक। ओहो यहां पर हालांकि गेंद गिरने का थोड़ा सा एंगल ली राइट हैंड राउंड विकेट से गेंदबाजी है, तो टप्पा गिरने थोड़ा सा बाहर निकली है गेंद और बल्ले का स्विंग बहुत बहुत जोर से देखने मिला। अच्छा शो के खिलाड़ी पीछे हैं और इसी के साथ विकेट का बदन। चलिए फिर से एक बार, हालांकि रुचित है बल्लेबाजी के लिए एक बड़ा कारनामा करना पड़ेगा, एक गेम चेंजर बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर उनकी भूमिका रहेगी। यहाँ पर जो आत्मविश्वास टीम ने दिखाया, उन्हें प्रमोट किया है, जो थोड़ा सा जल्दी ऊपर भेजा गया है उन्हें। लेट्स सी क्या उनके भरोसे पर यहाँ पर उतरेंगे। ओहो अच्छा स्ट्रोक है, ये बेहतरीन स्ट्रोक है। नो चांस फॉर द फील्डर, इन टू द क्राउड, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए।
चार रन के मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा टोटल तीन ओवर की समाप्ति के बाद 28 लॉस ऑफ 5 18 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता रहेगी प्रति ओवर 12 12 12 के से बल्लेबाजी चाहिए 18 बॉल 36 रिक्वायर चलिए टीम 11 एनिमल्स 18 गेंदे 36 रन ट्रैक्स को नीचे करना है हेमंत भाई अपने ट्रैक्स को नीचे करना है ये तो पेनल्टी दी जाएगी आपको क्योंकि इस टूर्नामेंट का यहाँ पर नियम जरूर है कि ड्रेसिंग इज कंपलसरी और ड्रेसिंग में आपको कैप हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की तरफ से आपको टी शर्ट भी कमेटी की तरफ से और ट्रैक्स आपको घर से पहन के आना है केवल चलिए 18 गेंदे 36 रन पहली गेंद यहाँ पर आउटसाइड लेग स्टंप व्हाइट बॉल दर्शाते हुए अंपायर 18 गेंदे 35 रन अब जीत के लिए सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए केवल बल्ले को लेके गए गेंद तलक और यहाँ पर डॉट आती हुई गेंद दबाव जरूर है हल्की एक एक गेंद यहाँ पर दबाव बनाएगी भी जितनी गेंदें डॉट आएंगी उतनी क्यारा के ऊपर यहाँ पर दबाव आएगा लेकिन यहाँ पर देखिए एक खराब गेंद टीम को गेंद को फेंका डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का आता हुआ चलिए पावर गेंद इस ओवर की लेट्स सी क्या करेंगे पावर गेम पे रिक्स लेंगे या फिर सिंगल के लिए जाएंगे और यहाँ पर रिक्स जरूर लिया लेकिन बचे हैं ओवर पिच गेंद थी सामने की तरफ बल्ले का फेस ओपन किया था डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश लेकिन डॉट रही गेंद अच्छा शो के ऑन साइड में फिर से एक बार खेलते हुए मात्र एक सिंगल यहाँ पर मिलेगा जरूर और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पाता है 36 रनों पर अभी भी जीत के लिए अगर बात की जाए तो 14 गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता है ओहो ये कहते स्टैंड एंड डिस्पैच स्टैंड एंड डिलीवर सीधे बॉलर ओवर द बॉलर हेड 6 रनों के लिए शानदार छक्का आता हुआ ओहो यहाँ पर बाहर की गेंद थी छेड़छाड़ करने की कोशिश बल्ले का टॉप एज और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और खिलाड़ी आउट इस ओवर से यहाँ पर 2 सिक्सर आए हैं एक अच्छी स्थिति में है अब यहाँ पर टीम कियारा एनिमल्स अभी भी टोटल 12 गेंदे जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता टोटल 42 स्कोर कार्ड पर बने हैं चार ओवर की समाप्ति के बाद 12 बॉल्स एंड 22 रन रिक्वायर्ड टू विन 22 रन एंड 12 बॉल्स टू विन फॉर द टीम कियारा एनिमल्स क्या यहाँ पर रोकने में सफल रहेंगे टीम प्राइम 11 बल्लेबाजी अच्छी हुई लेकिन अब तक विकेट लेने में सफल जरूर हुए हैं टोटल 6 विकेट लिए हैं अभी भी विकेट की तलाश है राजेश विक्टर के बीच में खड़े हैं अब तक पहली गेंद सॉफ्ट हैंड से डिक्लेयर में गई गेंद डिक्लेयर है एक रन डाउन द चेयर गेंद लगकर भी अंदर बाहर आई तो डिक्लेयर मिलेगा केवल एक सिंगल ओहो बेहतर गेंद स्विंग एंड मिस पूरी तरह से हालांकि युवेंद्र चहल रविंद्र जडेजा और अश्विन की आदि यहाँ पर आती हुई क्या टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर निकली थी बहुत ज्यादा यहाँ पर पूरी तरह से बीट हुए खिलाड़ी साथ ही साथ विकेट कीपर भी बीट हुए और डॉट गेंद यहाँ पर आई है ओहो यहाँ पर देखिए ऑफ स्टंप को बाहर निकालते हुए क्लीन बोल्ड के रूप में बल्लेबाज आउट पावर गेंद पर यहाँ पर विकेट आई है मतलब 5 माइनस कीजिए आप मीरू आए नए बल्लेबाज उड़ाने की कोशिश बल्लेबाज आउट एक और विकेट बैक टू बैक ये दूसरा विकेट गिरता हुआ चलिए अंपायर ने नो बॉल दिया मतलब आउट यहाँ पर नहीं रहेंगे चलिए नो बॉल है फ्री गेंद भी है फ्री गेंद है आउट नहीं रहेगा यहाँ पर लेकिन रन नहीं ले पाओगे आप चलिए 4 गेंदे इस ओवर में हुई अभी भी 8 गेंदे 25 रन 8 गेंदे अजीत के लिए 25 मतलब 4 बड़े स्ट्रोक चाहिए ये बाहर निकली है गेंद बहुत बाहर निकलती हुई वाइड दर्शाते हुए अंपायर 8 गेंदे 24 4 बड़े स्ट्रोक
मिस टाइमिंग है, हवा में गेंद, ऑफ साइड में सिंगल रन यहां पर मिलता हुआ, अब जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता, टोटल 7 गेंदे 23 रन। अच्छा स्ट्रोक है, ऑन साइड में मात्र एक सिंगल रन, अब 6 गेंदे 22 रन। चलिए बाहर आना है, 11 प्लेयर्स नहीं आना है कोई। छह गेंदे 22 रन, थर्ड बॉल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टीम। अगर तीसरे गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आता है तो इक्वेशन या सिचुएशन मैच का बदल सकता है। हालांकि वक्त ज्यादा नहीं लगेगा मैच को बदलने के लिए। 6 गेंदे 22 का मुकाबला आज भी आंखों के सामने है, वो कार्लिस बैथवेट के बल्लेबाजी, फाइनल का मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप का, कार्लिस बैथवेट थे बल्लेबाजी के लिए, 6 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता थी और लगातार 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाया था कार्लिस बैथवेट ने। लेट्स सी क्या यहां से वो कीर्तिमान कर पाएंगे बल्लेबाज। पहली गेंद आक्रमण किया है लेकिन यहां पर नहीं, अभी भी 4 गेंदे 22 रन, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सिक्स लगाते तो केवल 2 लगाने पड़ेंगे उसके बाद। उड़ाए गेंद को जरूर है लेकिन यहां पर कोई रन नहीं, 3 गेंदे 22 रन अब जीत के लिए इम्पॉसिबल। लेकिन खेले दोस्तों, जब तक आखिरी गेंद और आखिरी रन चेसनी हो तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक और डॉट गेंद, 2 गेंदे 22 रन, दो बॉल और अगली गेंद फ्री हिट, 21 रनों की आवश्यकता आप जीत के लिए, 2 गेंदों पर 21 रन। एक और विकेट, एक बॉल 20 रन। चलिए इसी के साथ प्राइम 11 ने इस मुकाबले को जीत लिया, एक अच्छी जीत और बड़ी जीत यहाँ पर, बड़े मार्जिन के साथ 19 रनों से मुकाबला जीता है यहाँ पर। वेल डन टीम प्राइम 11 एंड हार्ड लक टीम कियारा एनिमल्स टीम।